नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के द्वारा एक सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की जाने वाली वीडियो के साथ, जो कि है एडवर्ड 7 के 1/4 आना के सिक्कों की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस तरह के सभी 1/4 आना के सिक्कों के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से ईयर के सिक्के की क्या कीमत है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपका और हमारा साथ आगे भी ऐसे ही बना रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर है हमारे पास 1/4 आना के इन सिक्कों का एक लॉट, जिसमें है काफी सारे अलग अलग ईयर्स के सिक्के, और इसके साथ ही यहाँ पर है मेरे पास एक जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का। तो ये सभी सिक्के हैं एडवर्ड 7 के 1/4 आना के सिक्के। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन सिक्कों की कुछ बेसिक जानकारियाँ। तो एडवर्ड 7 के ये 1/4 आना के सिक्के जारी हुए थे 1903 से लेके 1910 तक, और ये सारे सिक्के सिर्फ कैलकटा मिंट से ही बनाए गए थे। और दूसरी बात, इनमें आते हैं दो अलग अलग मेटल्स के सिक्के, यानी कि इनमें से जो सिक्के 1903 से 1906 तक बने थे वो थे प्योर कॉपर यानी कि तांबे के सिक्के, और दूसरे सिक्के जो कि बने थे 1906 से लेके 1910 के बीच वो बनाए गए थे ब्रॉन्ज से। और यहाँ पर जो सिक्के 1903 से 1906 के बीच में कॉपर से बनाए गए थे उनका वजन था लगभग 6.5 ग्राम, वहीं 1906 से लेके 1910 के ब्रॉन्ज के सिक्कों का वजन था लगभग 4.85 ग्राम। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि 1906 के सिक्कों में इस तरह की दो अलग अलग वेराइटीज आती हैं, यानी कि पहले थे कॉपर से बने हुए 6.5 ग्राम के सिक्के, और दूसरे थे ब्रॉन्ज से बने हुए 4.85 ग्राम के सिक्के। और इन दोनों ही सिक्कों की कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क है, और इन सभी सिक्कों की कीमत की बात भी हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि क्यों 1906 के सिक्कों में दो वेराइटीज आती हैं। तो 1906 था वो वर्ष जब हमारे देश में लागू हुआ था द इंडियन क्वाइनेज एक्ट, जिसमें सिक्कों के भार और उनके आकार को निर्धारित कर दिया गया था, यानी कि 1906 के बाद भारत की सभी टकसालों से एक समान सिक्के जारी होने लगे थे। और एडवर्ड 7 के सिक्कों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रिटिश इंडिया के लगभग सारे ही सिक्कों की जानकारी दी हुई है। तो अब आ जाते हैं इन सिक्कों के डिजाइन पर। तो ऑपवर्ड साइड की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बीच में देखने को मिलता है एडवर्ड 7 का पोर्ट्रेट, साथ ही इसके साइड्स पे लिखा हुआ है एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर। और रिवर्स साइड पर देखें तो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है 1/4 आना इंडिया, और इसके नीचे इसका ईयर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह के सभी सिक्के कैलकटा मिंट से ही बनाए गए थे, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, और इसके चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है फूल पत्तियों का एक डिजाइन। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिक्कों की कीमत की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कीमत के मामले में ये सारे सिक्के एक तरफ, और ये अकेला जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का एक तरफ। और इस बात से मेरा मतलब ये है कि इन सिक्कों की कीमत इनकी कंडीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि इतने सालों तक इन सिक्कों को इस कंडीशन में बनाए रख पाना भी एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। और ये जो सिक्का आप लोग मेरे पास इस कंडीशन में देख रहे हैं, इसको किसी न किसी कलेक्टर ने लगभग 100 सालों तक इस तरह के रोल में रखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के सिक्के आते थे इस तरह के रोल्स में, जिसके अंदर होते हैं कुल 32 सिक्के। तो वैसे तो इस रोल में किंग एडवर्ड 7 के सिक्के नहीं है, इसलिए इस रोल की बात हम करेंगे अपनी आने वाली किसी अगली वीडियो में। तो अब आ जाते हैं सिक्कों की कीमत पर। तो इनमें सबसे ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का होता है 1909 का सिक्का, और इसकी वजह ये थी कि इसकी मिंटेज काफी लो थी, यानी कि 1909 में इस तरह के सिर्फ 3 करोड़ सिक्के ही बनाए गए थे, जो कि बाकी के ईयर्स के मुकाबले काफी कम थे। तो 1909 का सिक्का अगर आपके पास है जेम यूएनसी कंडीशन में, तो उस सिक्के की कीमत जाती है लगभग 20,000 रुपए तक। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह के पुराने सिक्कों की कीमत इनकी कंडीशन पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, और यही सिक्का अगर आपके पास है इस तरह की कंडीशन में, तो इसकी कीमत आज के समय में होती है लगभग 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में, जो कि इसकी कंडीशन के हिसाब से बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर अगले रेयर सिक्के की बात करें तो वो है 1906 का ये ब्रॉन्ज का क्वाइन, और इसको आप पहचान सकते हैं इसके वजन से, यानी कि ये क्वाइन होगा लगभग 4.85 ग्राम का, वहीं कॉपर यानी कि तांबे का सिक्का होगा लगभग 6.5 ग्राम का। तो 1906 के इस ब्रॉन्ज के 1/4 आना के सिक्के की जो आज के समय में कीमत है वो जाती है यूएनसी कंडीशन में लगभग 20,000 रुपए तक, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कीमतें भी कम होती रहेंगी। और इसके अलावा बात करें 1903 और 1904 के सिक्कों की कीमत की, तो इनकी कीमत जेम यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 1,000 रुपए से 1500
1500 रुपए के बीच में, और बाकी के बचे जो सारे ईयर्स के सिक्के हैं उनकी कीमत जेम यूएनसी कंडीशन में होती है लगभग 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में। और वहीं अगर बात करें मेरे पास पड़े हुए इस तरह के यूज्ड कंडीशन के सिक्कों की कीमत की, तो ये सिक्के मैंने इस तरह की पूरी लॉट में खरीदे थे लगभग 30 रुपए पर पीस के हिसाब से। वहीं इस तरह का अगर एक सिक्का आप लोग खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत आपको लगभग 50 रुपए तक पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों इस तरह के पुराने सिक्कों में अगर आपके पास है कोई एरर कॉइन यानी कि कुछ इस तरह के सिक्के, तो इनकी कीमत हजारों रुपए तक में जा सकती है। तो अब आप लोग भी समझ चुके होंगे कि इस तरह के सिक्कों की कीमत इनकी कंडीशन पे कितनी ज्यादा डिपेंड करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो आप लोग इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे भी आप लोग नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो आगे भी सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप देख सके उन वीडियोस को सबसे पहले। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।